अस्त का महीना लग गया है, रिमझिम की बारिश भी हो रही है, सावन भी चल रहा है, तो ऐसे मौसम में आप बीज जो प्लांट बीज से ग्रो हो जाते हैं और सीजन आने से पहले ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो आप लोग वो वाले प्लांट बीज से ग्रो कर लीजिए। देख लीजिए, मैंने बीज से इनको ग्रो किया है, ये भी बीज से ही ग्रो किया है, तो आज सारी जानकारी है बीज से ग्रो होने प्लांटों के बारे में, तो आप लोग देखिएगा पूरी जानकारी के साथ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलने में जब भी गलती है जाती हूँ आपके लिए का पैर छुका धन्य कर आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ जानकारी भरी। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है और मेरी वीडियो है कि अगस्त का महीना लग गया है, तो हम अगस्त के महीने में बीज से कौन कौन से प्लांट ग्रो कर सकते हैं जो सीजन आने से पहले ही फ्लावरिंग उनकी शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, तो आप लोग उनको बीज से ग्रो कर लीजिए फ्रेंड फटाफट। जैसे गेंदा है, जीनियस है, और बता दूँ सदाबहार का है, और मॉर्निंग ग्लोरी, गुलाब आंस, सबके नाम बता रही हूँ अभी दिखाऊंगी, और मुर्गा केस, छुई मुई, अपराजिता, जो बीज से ग्रो हो जाते हैं ऐसे प्लांटों को आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए आप लोग जल्दी से आज ग्रो कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दी कि मैंने कितने सारे प्लांट ग्रो किए हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मैंने जीनिया, ये जीनिया के हैं, ये जो ऑरेंज कलर का फ्लावरिंग करता है, ये उनके बीज मैंने बोए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 प्लांट उसके ग्रो हो गए हैं। और ये जो निकला है ये है मॉर्निंग ग्लोरी, ये मॉर्निंग ग्लोरी के बीज मैंने बोए हुए हैं, और वो प्लांट देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। अब ये झौड़ेंगे और फिर फ्लावरिंग करेंगे। मॉर्निंग ग्लोरी का तो आप लोग देखते हैं कितने ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, कि बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और फिर आ गया फ्रेंड, फिर आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये मुर्गा केस है, ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इसको हम मुर्गा केस बोलते हैं अपने यहाँ। और देखिए छोटे छोटे जो निकले हैं ये भी मुर्गा केस के हैं, दो कलर के हैं, एक रेड एक पिंक, दो कलर के, ये वाला पिंक में है और ये जो नीचे रेड, ये जो रेड है नीचे आप लोगों को दिख रहा है, ये रेड इसमें फ्लावर आता है, तो ये देख लीजिए फ्रेंड। और इधर साइड भी वही है मुर्गा केस जो निकला हुआ है, तो आप लोग भी देर न करिए, अभी इनके बीज ग्रो कर लीजिए, अभी टाइम है। अगर आपके गार्डन में तुलसी नहीं है तो आप तुलसी के बीज ग्रो कर लीजिए। ये देखिए तुलसी कितने अच्छे से ग्रो हो चुकी है। क्या है बताना, क्या है? ये देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे ये तुलसी, ये देखिए बीज से मैंने ग्रो किया है। सब लोग कहते हैं हमारी तुलसी बीज से ग्रो नहीं होती, लेकिन मेरी तुलसी देख लीजिए, मैंने मंजरी निकाल के डाल दी थी और कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप लोग तुलसी को भी ग्रो कर सकते हैं इस टाइम। फिर हाँ, ये वाले बीज हैं गुल मेहंदी, जो अभी नवंबर और अक्टूबर में फ्लावरिंग करते हैं, अक्टूबर नवंबर ऐसे ही फ्लावरिंग करते हैं ये वाले, ये देख सकते हैं ये गुल मेहंदी की अभी दो दो पत्ती के हुए हैं प्लांट मेरे। और ये हैं मिर्च, मैंने मिर्चा के यहाँ पे बीज डाले थे और देखिए ये मेरे मिर्चा के बीज ग्रो हो गए हैं। तो हमें अपने गार्डन में सभी तरह के बीज बोना चाहिए जो जल्दी से ग्रो हो जाएं और हमारे लिए फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारे प्लांट जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सभी फ्लावरिंग करने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी का निकला हुआ है, और ये मुर्गा केस है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें भी मैंने बीज बोया था, आप लोग देखिएगा। ये है छुई मुई जो मैंने बीज से ग्रो किया है, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये नीचे गिर गया, ये भी छुई मुई का बीज है और ये भी छुई मुई का है, ये देख लीजिए ये दो यहाँ पे छुई मुई के निकले हुए हैं। अभी शायद ये भी है और ये शायद अपराजिता का निकल रहा है, अभी मैं आप लोगों को और दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जीनिया और ये मुर्गा केस के कितने सारे बीज ग्रो हो गए हैं, ये देखिए ये जितने भी यहाँ पे हैं ये सारे मुर्गा केस हैं। मॉर्निंग ग्लोरी को एक यहाँ पे निकला है, एक यहाँ पे निकला हुआ है, और ये है छुई मुई का यहाँ पे निकला है, ये देखिए ये छुई मुई, ये जैसे ही मैंने छुआ, और ये है अपराजिता का यहाँ पे ग्रो हो गया है, ये देख लीजिए। तो जहाँ जहाँ मैंने बीज डाले हैं, और ये हैं बेलपत्र, ये बेलपत्र का प्लांट बीज से ग्रो हो गया, मैंने बीज डाले थे, और ये देख लीजिए यहाँ पे ए 3-4 प्लांट ग्रो हो गए हैं अब बेल के, जो शंकर जी को अति प्रिय, सावन में चढ़ाया जाता, हमेशा चढ़ाया जाता शंकर जी को। देखिए बारिश के कारण कुछ प्लांट जो बीज से ग्रो हो गए हैं वो गिरे जा रहे हैं,
बारिश ज़्यादा हो गई रात में, इसलिए नीचे से गिरे जा रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ फ्रेंड, और भी मेरे प्लांट बीज से, यहाँ पे देखिए ये हैं अपराजिता, ये भी बीज से ही निकला हुआ है और इतना बड़ा हो गया। मैंने इसकी कटिंग यहाँ से करी थी तो देखिए ये साइड से निकाल दिया, अब मैं ये यहाँ से कट कर दूँगी तो ये निकल जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड आप पिंचिंग भी करते रहिए इनकी। ये मुर्गा वो अपराजिता है और ये यहाँ पे निकला है मेरा उसका लीची का प्लांट, देखिए बीज से निकल आया है। तो बीज से मेरे बहुत सारे प्लांट निकले हैं फ्रेंड, तो आप भी बीज ग्रो कर लीजिए। और दिखाती हूँ अभी, और ये रहे सदाबहार, देखिए जहाँ जहाँ मैंने बीज डाले हैं तो ग्रो हो गए हैं फ्रेंड। बारिश के कारण कुछ तो बह गए हैं, कुछ निकल आए हैं, क्योंकि जैसे जिस दिन मैंने ये बीज बोए थे उस दिन बारिश होने लगी थी, तो जैसे ही तुरंत मैंने बीज बो के हटी वैसे तुरंत बारिश हो गई, तो कुछ प्लांट बीज जो हैं निकल गए बारिश में, जो बच गए हैं वही ग्रो हो गए हैं। तो आप लोग भी बीज से प्लांटों को ग्रो करिए और ढेर सारे प्लांट बना लीजिए। अभी फ्लावरिंग करेंगे, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये फ्लावरिंग करते हैं। तो आप इसी तरह पौधे बीज से ग्रो कर लीजिए, और मेरा उसका प्लांट दिख ही नहीं रहा कहाँ गया, लग रहा है ख़राब हो गया क्या भैया। अरे जो मैंने आप लोगों को बताया है उसका गुलाब बांस का, वो प्लांट ही नहीं दिख रहा फ्रेंड। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जितने मैंने दिखाया है आप लोग उतने ही बीज से ग्रो कर लीजिए। और गुलाब बांस के बीज ब्लैक कलर में होते हैं छोटे छोटे, आप लोगों को मिल जाए आप उसे भी ग्रो कर लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। और ये है मुर्गा केस, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।